नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नेहा। ये फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 खबरें। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर सौर ऊर्जा कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। आरोपों के मुताबिक ये रिश्वत 2020 से 2024 के बीच बड़े अनुबंध हासिल करने के लिए दी गई है। इससे अडानी समूह को $2 बिलियन से अधिक का लाभ होने की संभावना थी। राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम अडानी पर अमेरिका में करप्शन के आरोप लगाए। कहा कि अडानी 2000 करोड़ का स्कैम कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी बूच पर भी केस होना चाहिए। राहुल ने अडानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में सुधार देखी गई। AQI 379 तक पहुंचा। पुलिस ने ई कॉमर्स कंपनियों को ऑनलाइन पटाखे बेचना तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के 11 नवंबर के आदेश के तहत लिया गया है, जिसमें पटाखों पर बैन लगाने की बात कही गई थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 18 मार्च तक, जबकि 12वीं की परीक्षा 4 अप्रैल तक होगी। पहली बार परीक्षा से 86 दिन पहले डेटशीट जारी की गई है, जिसमें 44 लाख छात्र शामिल होंगे। द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना में कैरेबियाई देश डोमिनिका ने द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। ये सम्मान उन्हें COVID-19 महामारी के दौरान डोमिनिका को वैक्सीन पहुंचाने के लिए दिया गया है। डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने उन्हें ये सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा है। नोकिया ने भारतीय एयरटेल से मल्टी बिलियन एक्सटेंशन डील हासिल की है, जिसके तहत कंपनी भारतीय शहरों में 4G और 5G इक्विपमेंट्स लगाएगी। दूसरी ओर शाओमी के सब ब्रांड रेडमी ने भारत में दुनिया का पहला स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 चिपसेट वाला रेडमी A4 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया। इस स्मार्टफोन को 20 नवंबर को पेश किया गया। सोने की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 686 रुपये बढ़कर 76,559 रुपये पर पहुंच गया। इससे पहले इसका दाम जो था 75,873 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वही चांदी की कीमत में आज गिरावट है। ये 336 रुपये गिरकर 90,620 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। DOG ने गूगल को अपने इंटरनेट ब्राउजर गूगल क्रोम को बेचने का दबाव डाला है। इसके पीछे गूगल पर सर्च मार्केट में गलत तरीके से कब्जा करने का आरोप है। अमेरिकी सरकार गूगल क्रोम की मोनोपोली को खत्म करने के लिए यह कदम उठा सकती है। पंजाबी रैपर शुभ को संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता फैलाने के लिए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। यह घोषणा COP29 सम्मेलन के दौरान बाकू अजरबैजान में की गई। शुभ की संगीत शैली और फैन फॉलोइंग को देखते हुए उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली से मुलाकात में भारत और गुयाना के बीच घनिष्ठ संबंधों की बात की। उन्होंने कहा कि भारत और गुयाना कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में सहयोग करेंगे। पीएम मोदी ने गुयाना की नदियों को सांस्कृतिक पहचान और भारत की पवित्र नदियों के महत्व से भी जोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक की याचिका लंबित रहने के दौरान पत्नी को ससुराल जैसी सुविधाएं मिलने का अधिकार दिया। कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए पत्नी को 1.75 लाख रुपए महीने भरण पोषण देने का आदेश दिया। पहले केरल हाई कोर्ट ने 80,000 रुपए महीना भरण पोषण देने का आदेश दिया था। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी गई है। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी पर अमेरिका में रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों के बाद भारतीय शेयर बाजार में अडानी समूह के लिस्टेड स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिली। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट और अडानी पावर के शेयरों में 10 से 20% तक की गिरावट देखी गई है।
अडानी समूह ने अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा अडानी ग्रीन के निदेशकों पर लगाए गए आरोपों को खारिज किया। कंपनी ने कहा कि आरोप निराधार है और हर संभव कानूनी सहारा लिया जाएगा। अडानी समूह ने यह भी कहा कि अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद कहा है कि आरोपों के बावजूद प्रतिवादी निर्दोष माने जाते हैं। के संजय मूर्ति ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षा CAG के रूप में शपथ ली। वे हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं। मूर्ति गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह इस पद पर नियुक्त हुए हैं। रेलवे विभाग ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 370 ट्रेनों में 1000 नए जनरल कोच जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है, जो नवंबर के अंत तक पूरी हो जाएगी। अब तक 583 कोच जोड़ दिए गए हैं और बाकी कोचों की प्रक्रिया देश भर में जारी है। रेलवे बोर्ड का उद्देश्य है कि 2025 की होली तक यात्री भीड़ को कम करना। हार्दिक पांड्या पर IPL 2025 में मुंबई इंडियंस के पहले मैच के लिए बैन लगाया गया है। पिछले IPL सीजन में लखनऊ सुपर ज्वाइंट्स के खिलाफ स्लो ओवर रेट के कारण BCCI ने उन्हें एक मैच के लिए बैन और 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। ये बैन पांड्या की कप्तानी पर प्रभाव डाल सकता है। एक दुखद खबर, मलयालम और तमिल फिल्मों के दिग्गज अभिनेता मेघनाथन का 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से सांस संबंधी बीमारी से पीड़ित थे और इलाज के दौरान कोझिकोड के अस्पताल में उनका निधन हो गया। मेघनाथन ने अपने करियर में 50 से अधिक फिल्मों और TV शोज में अभिनय किया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज बोधगया में एक दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वे रजौली बख्तियारपुर पैकेज 3 का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना की लागत लगभग 3700 करोड़ रुपए है। इसके अलावा गया डोभी पटना 4 लेन NH 83 और टोल प्लाजा का भी उद्घाटन होने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के मामलों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट और 709 मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक किया और इस साल डिजिटल अरेस्ट की 6,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं, जबकि 6 लाख मोबाइल साइबर फ्रॉड की घटनाएं सामने आई हैं। गृह मंत्रालय भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए और कड़े कदम उठा सकता है। यूपी में योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे प्रदेश के परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में तैनात 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को लाभ होगा। सरकार ने इस प्रस्ताव को वित्त विभाग को भेज दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद ये कदम उठाया गया है, जिसमें शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक वेतन देने के लिए समिति गठित करने का आदेश दिया गया था। रॉयल एनफील्ड अपनी नई बाबर स्टाइल मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड गोन क्लासिक 350 का रिवील किया। ये बाइक सिंगल और डबल टोन कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी और इसकी कीमत 1,93,000 से 2.5 लाख रुपए के बीच हो सकती है। इसकी औपचारिक कीमत घोषणा 22 से 24 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित मोटोवर्स इवेंट में की जाएगी। NTA ने जी मैंस 2025 जनवरी सेशन 1 के आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर 2024 तय की है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। छात्र के कई सवालों और कन्फ्यूजन के बाद NTA ने यह स्पष्ट किया कि करेक्शन ऑप्शन भी सीमित समय के लिए उपलब्ध होगा। साउथ एक्ट्रेस रेवती संपत द्वारा सीनियर एक्टर सिद्दीकी पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाए जाने के बाद कोर्ट ने सिद्दीकी को अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता ने 8 साल पुराने मामले को सोशल मीडिया पर उठाया है, लेकिन पुलिस ने शिकायत नहीं की है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें 11 नाम शामिल हैं। इन नामों में 6 नेता BJP और कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हुए हैं। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को समाप्त होगा और चुनाव उससे पहले हो सकते हैं। आज शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 422 अंक गिरकर 77,155 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 168 अंक गिरकर 23,349 पर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में गिरावट देखी गई, जबकि 10 में तेजी रही। FMCG और ऑटो शेयरों में गिरावट देखी गई, जबकि IT शेयरों में बढ़त देखने को मिली और अडानी इंटरप्राइजेज का शेयर 23.44% गिरा।
इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड का आईपीओ 22 नवंबर को खुलेगा, जिसमें निवेशक 26 नवंबर तक बोली लगा सकते हैं। इस इशू का साइज 650.43 करोड़ है और कंपनी 4.39 करोड़ शेयर जारी करेगी। आईपीओ के बाद 29 नवंबर को कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। कोर्ट ने केजरीवाल को निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मामले की विस्तृत जो सुनवाई है 20 दिसंबर 2024 को होगी। बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया है। 1 दिसंबर 2024 से सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की शुरुआत अब सुबह 9:30 बजे से होगी। ये बदलाव सभी सरकारी स्कूलों, संस्कृत विद्यालयों और मदरसों पर लागू होगा। प्रियंका गांधी ने अडानी मामले को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों को महंगी बिजली बेची जा रही है और इस स्थिति के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। प्रियंका गांधी का कहना है कि अडानी समूह के खिलाफ जांच की बजाय सरकार जनता को अपनी नीतियों का सही जवाब दे। आज के लिए बस इतना ही। कल जिन लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, पुरुषोत्तम कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, अरविंद सिन्हा, नौसाद रजा, संजीव कुमार, काजल कुमारी, मोतीलाल कुमार, मोहम्मद इरफान, सुमन कुमार मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, अगर आपको कहीं घूमने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? इसका जवाब आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आज के लिए धन्यवाद।